14 जून के दिन फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के 3 बार सांसद रहे स्वर्गीय रामचंद्र बेंदा ने अंतिम सांस ली और फिर दुनिया को अलविदा कह दिया। जिनके व्यक्तित्व को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए प्रदेश के नेताओं की भीड़ लगी हुई है। इस कड़ी में आज हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु स्वर्गीय रामचंद्र बेंदा के पैतृक निवास फरीदाबाद सेक्टर 14 पहुंचे, जहां उन्हें स्वर्गीय बेंदा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और नम आंखों से उन्हें नमन किया। शोक में डूबे बेंदा के परिवार से मुलाकात करते हुए मंत्री उनके दुख में शामिल हुए और उनके साथ बिताए हुए पलों को साझा किया। इस दौरान वित्त मंत्री के साथ फरीदाबाद बीजेपी जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा, प्रदेश महामंत्री संदीप जोशी सहित दर्जनों भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि स्वर्गीय रामचंद्र बेंदा एक नेक, बेबाक और सामाजिक इंसान थे, जिन्होंने किसान और मजदूरों की समस्याओं को नजदीकी से देखा था, जिन्हें दूर करने का प्रयास भी किया। इसलिए आज बीजेपी ने हरियाणा में एक स्तंभ खोया है, क्योंकि वह पार्टी के समर्पित और निष्ठावान नेता थे, इसलिए पार्टी को बहुत बड़ी क्षति हुई है। इतना ही नहीं, वित्त मंत्री ने कहा कि स्वर्गीय बेंदा जी उनके संरक्षक थे, जिन्होंने उनका मार्गदर्शन किया। चौधरी रामचंद्र बेंदा जी भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश के वरिष्ठतम नेताओं में से एक थे। 3 बार उन्होंने देश का प्रसिद्ध लोकसभा क्षेत्र फरीदाबाद का भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के नाते से, जनता के प्रतिनिधि सांसद के तौर पर सेवा करने का काम किया। वह बड़े फराख दिल व्यक्ति थे, नेक दिल इंसान थे, सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए व्यक्ति थे और देश के किसान और मजदूर की पीड़ा को उन्होंने अपने नज़दीक से देखा था और उसको न केवल भोगते हुए बल्कि उस अभाव को दूर किया, अपने परिवार को खड़ा किया, समाज में एक ऊँचा स्थान प्राप्त किया, एक सम्मान का स्थान प्राप्त किया और फिर भी समाज के अंतिम व्यक्ति से वह हमेशा जुड़े रहे। वह एक जमीनी नेता थे। एक उनके ध्यान से आज हमने भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा स्तंभ खोया है। इस हरियाणा प्रदेश ने एक बहुत सामाजिक नेता, जिनको हम कह सकते हैं, उनको खोया है। और व्यक्तिगत तौर पर हमने, मैं अपने व्यक्तिगत बात करूं, मैंने अपना एक संरक्षक, जो एक बड़ा, जिसको मैं मान सकता हूं राजनीति के अंदर जो मार्ग दिखाने वाले थे, मैंने उनको खोया है। ये मेरी निजी क्षति भी है, ये हमारे समाज की, हरियाणा प्रदेश की क्षति भी है। स्वर्गीय चौधरी रामचंद्र बेंदा जी के स्वर्गवासी होने पर उनको शत-शत नमन और भावभीनी श्रद्धांजलि। उनके साथ कोई बिताया हुआ पल आप कोई साझा करना चाहें जो बहुत बेहद हो? बेंदा जी के साथ हमने बहुत लंबे समय, बहुत नज़दीकी से काम करने का मौका मिला। अनेकों प्रसंग हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि उनकी बेबाकी के साथ साथ, उनकी फराख दिली के साथ साथ, वे पार्टी के बड़े समर्पित और निष्ठावान सिपाही बने रहे। वे कभी अपने पद से विचलित नहीं हुए। उन्होंने कभी भी अपने बातचीत में कोई हल्की बात कभी नहीं की थी। प्रसंग अनेकों हैं, फिर कभी चर्चा करें।